नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है पैशन प्रो। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में माइलेज का प्रॉब्लम है, ये गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है। तो आज इसका माइलेज सेट करेंगे और आपको माइलेज सेट करना सिखाएंगे। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जब भी आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, उसको अगर आपको सेटिंग करना है, सेटिंग करने से पहले आपको इसका फिल्टर चेक करना है। फिल्टर अगर खराब है फिल्टर को नया डाल देना है, अगर सही है तो उसे क्लीन करके लगाना है। और दूसरे नंबर पर इसका कार्बोरेटर क्लीन रहना चाहिए, कार्बोरेटर क्लीन रहेगा तो ही माइलेज सही से सेटिंग होगा। और तीसरा नंबर है इसका ये टैपिट, इसका टैपिट की जो है सेटिंग है वो सही होनी चाहिए। तो मैंने इसका फिल्टर क्लीन कर लिया है, कार्बोरेटर क्लीन कर लिया और टैपिट का सेटिंग चेक कर लिया, टैपिट सही है। अब हम इसका माइलेज सेट करेंगे। माइलेज सेट करने के लिए कार्बोरेटर में यहाँ पे देख सकते हैं दो स्क्रू है, ये वाला जो स्क्रू है ये आरपीएम का स्क्रू है। इसको जितना हम टाइट करते जाएंगे उतना आरपीएम बढ़ेगा यानी इंजन रेस होगा, और उसको जितना हम लूज करेंगे उतना आरपीएम कम होगा यानी इंजन जो है स्लो होगा। और इसके ठीक बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ये है एयर स्क्रू। इस एयर स्क्रू को हम क्या करेंगे, जितना इसको हम टाइट करेंगे इंजन के अंदर उतना जो एयर कम जाएगा और पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, यानी जितना टाइट करेंगे उतना जो माइलेज कम होगा। और जब इसको जितना हम खोलेंगे, जितना ज़्यादा इसको खोलेंगे उतना ज़्यादा इसके इंजन के अंदर जो है एयर ज़्यादा जाएगा और पेट्रोल कम जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना जो है माइलेज बढ़ेगा। अगर हम एयर स्क्रू को ज़रूरत से ज़्यादा अगर खोल देते हैं तो क्या होगा, एयर जो है इंजन के अंदर ज़्यादा जाने लगेगा और पेट्रोल कम जाने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आने लगेगी और मिसिंग प्रॉब्लम आने लगेगी। लेकिन अगर एयर स्क्रू को हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइट भी अगर कर देते हैं तो इंजन के अंदर क्या होगा, एयर जो है कम जाने लगेगा और पेट्रोल जो है ज़्यादा जाने लगेगा, जिससे जो है आपके गाड़ी के अंदर माइलेज की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस तरह से सेट करना है कार्बोरेटर को कि ना तो उसके अंदर पेट्रोल ज़्यादा जाए और ना ही उसके अंदर एयर ज़्यादा जाए, दोनों बराबर मात्रा में जाए जितना मतलब इंजन को ज़रूरत है। कार्बोरेटर को सेट करने के लिए सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और इसका जो आरपीएम का स्क्रू है इसको टाइट करेंगे, मतलब आरपीएम को बढ़ा देंगे, इंजन को ज़्यादा रेस बढ़ा देंगे। रेस बढ़ाने के बाद एयर स्क्रू को सेटिंग करेंगे। एयर स्क्रू जहाँ पे इंजन सबसे ज़्यादा स्पीड होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजन रेस होगा, स्मूथ रेस होगा, वहीं पर हमें एयर स्क्रू को छोड़ देना है। उसके बाद इंजन को स्लो कर देना है, जहाँ पर इंजन स्लो रुक जाए वहीं पर रोक देना है। चलो एक बार हम आपको माइलेज को सेट करके दिखाते हैं, पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे उसके बाद सेट करके आपको दिखाते हैं। तो हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, अब माइलेज को सेट करेंगे। माइलेज को सेट करने में सबसे पहले हम आरपीएम को, गाड़ी का आरपीएम बढ़ाएंगे। तो आरपीएम का जो स्क्रू इसको टाइट करेंगे तो गाड़ी का आरपीएम बढ़ जाएगा, थोड़ा रेस हो गई गाड़ी देख सकते हैं। अब हम इसके बाद एयर स्क्रू को सेटिंग करेंगे। एयर स्क्रू को सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एयर स्क्रू को टाइट करना चाहिए। एयर स्क्रू को इतना टाइट करना है जहाँ पर लास्ट में जाकर रुक जाए वहीं पर हमें रोक देना, वहीं से वापस इसको खोलना है। तो पहले हम टाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जाकर रुक गया, गाड़ी स्लो हो गई है। अब वापस इसको हम खोलेंगे, ये हमने आधा चूड़ी खोल लिया और उसके बाद ये खोलना शुरू हुआ, अभी ये एक चूड़ी हो गया और गाड़ी का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वापस हम इसको खोलेंगे, ये जो है डेढ़ चूड़ी हो गया, वापस और खोलते जाएँगे अभी ये दो चूड़ी हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया है। अभी और खोलेंगे ये ढाई चूड़ी हो गया, लेकिन अब यहाँ पर स्पीड कम हो रहा है। वापस इसको हम टाइट करेंगे, यहाँ पे ले जाकर इसको दो पे करेंगे, दो पे एकदम सही सेटिंग में आ रहा है, दो पे सबसे ज़्यादा रेट हो रहा है गाड़ी और एकदम स्पीड रेट हो रहा है। अब इसको हम यहीं पे रोक देंगे दो पे। तो यहाँ पर दो चूड़ी खोलने के बाद हमारी गाड़ी बिल्कुल सही सेटिंग में आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम आरपीएम को कम करेंगे। तो आरपीएम का स्क्रू को खोलेंगे और आरपीएम को कम करेंगे, आरपीएम को इतना कम करना जहाँ तक गाड़ी जहाँ बंद ना हो वहीं पर आकर रोक देना है। तो फटाफट हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा गाड़ी स्लो हो रहा है एकदम सही, यहाँ पे बिल्कुल सही हमारा सेटिंग हो गया है। तो हमारी कार्बोरेटर हमारा सेटिंग हो गया। एक बार गाड़ी बंद, पहले हम गाड़ी को बंद करते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देख सकते हैं हमने अपनी गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। जब हमने सेटिंग किया तो जो है एयर स्क्रू का जो है दो चूड़ी हमने खोला, दो चूड़ी खोलने के बाद हमारी गाड़ी जो सेटिंग में आई हुई है, माइलेज यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग हो गया है। जब आप कार्बोरेटर को सेटिंग करें तो हमारा देखकर, ऐसा नहीं कि हमारा देख करके आपको भी दो चूड़ी खोल करके छोड़ देना है, ऐसा नहीं। आपको भी गाड़ी का पहले आरपीएम को बढ़ाना है, उसके बाद आपको सेटिंग करना है। हो सकता है आपका गाड़ी जो है डेढ़ चूड़ी खोलने के बाद सेटिंग में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है पौने दो खोलने में सेटिंग में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है आपका दो चूड़ी खोलने में सेटिंग में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ढाई चूड़ी में सेटिंग में आ जाए। जहाँ पर आपका कार्बोरेटर सेटिंग में आता है, जहाँ पर अच्छे से रेस होता है, स्मूथ रेस होता है, वहीं पर आपको छोड़ना है, ना कि दो पे हमारा देख के छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ पर रेस होता है वहीं पर आपको छोड़ना है और उसके बाद आरपीएम को सेटिंग करके जहाँ पर गाड़ी बंद ना पड़े वहाँ तक रोकना है।
इस तरह से आपको सेटिंग करेंगे, आपकी गाड़ी का माइलेज जो है बहुत अच्छे से आएगा और पिकअप भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने आपको माइलेज को कैसे सेट करना है बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।